अगर वो पैर रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आलू की सूखी सब्जी बेगर लहसुन प्याज की। सब्जी बनाने के लिए दो आलू लिए हैं, आलू मीडियम साइज के, दो टमाटर, दो हरी मिर्ची, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लिए हैं, थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा, और एक खड़े मसाले हैं तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्ची और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। पहले आलू को छील के बॉईल करते हैं। दोनों आलू को भी मैंने छील लिया है। आप बेगर छीले उबाल सकते हैं साबुत, या तो आप कुकर में उबाल सकते हैं। मैं इसको काट के कढ़ाई में उबालने वाली हूँ। पहले आलू को काट लेते हैं ताकि जल्दी उबल के तैयार हो जाए। इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से आलू काट के उबालने से जल्दी उबल जाते हैं। और वैसे साबुत उबालने से पहले सीटी लगाना पड़ता है, उसके बाद ही उसमें काफी टाइम लग जाता है। इसमें आसानी से उबल के तैयार हो जाते हैं और सब्जी भी झटपट बन के तैयार हो जाती है। ये पानी मैंने पहले ही उबलने के लिए रख दिया था, पानी भी बॉइल हो चुका है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डालते हैं ताकि आलू जल्दी बॉइल हो जाए। अब इसमें आलू डाल देते हैं। पानी सादा पानी है, नमक के अलावा कुछ भी नहीं है। अब इसमें आलू को डाल देते हैं और ढक्कन लगा के 5 मिनट के लिए उबलने देते हैं। 5 मिनट में आलू उबल के तैयार हो जाएंगे फुल फ्लेम पे। तब तक हम मसालों की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले टमाटर को कद्दूकस करेंगे, आप चाहे तो मिक्सी से पीस सकते हैं। पहले अदरक के टुकड़ों को कद्दूकस कर लेते हैं, ये छोटा सा पीस लिया मैंने। अब टमाटर को कद्दूकस करेंगे, पहले इस तरह से काट लेते हैं। इस तरह से काट के कद्दूकस करने में आसान हो जाता है। इसको इस तरह से घिस लेते हैं और ये छील के ऊपर आ जाएंगे। मिर्ची को भी इस तरह से काट लेते हैं, चाहे तो सूखी लाल मिर्ची भी ले सकते हैं, साबुत वाली होती है ना वो ले सकते हैं। ये धनिया पत्ती को भी काट लेते हैं। आलू चेक कर लेते हैं, देखते हैं बॉईल हुआ है नहीं हुआ है। आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब आलू को बाहर निकाल लेते हैं पानी में से। इस तरह से निकाल के एक थाली में डाल लेंगे। और इस आलू को धोना नहीं है, इसी तरह से निकाल के और डायरेक्ट सब्जी में डाल देना है। अब कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डालते हैं, ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम ही डालेंगे तेल। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच साबुत जीरा और एक खड़े मसाला डालते हैं, तेजपत्ता, लौंग, काली मिर्ची और दालचीनी का टुकड़ा, ये थोड़ा चटक जाए, हरी मिर्ची और अदरक को डाल देंगे। पहले अदरक को डालते हैं, अब हरी मिर्ची को भी डाल देते हैं। इसको हल्का सा सोटे करना है, जलाना नहीं है। अब इसमें टमाटर प्यूरी बना के रखी थी ये डाल देते हैं। टमाटर की अच्छे से भुनाई करनी है, पहले इसमें मसाले डालते हैं, उसके बाद अच्छे से भून लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि हमने आलू में भी डाल रखा था, इसलिए ध्यान से डालेंगे। 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चुटकी कस्तूरी मेथी भी मिक्स करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा सा खट्टापन के लिए अमचूर पाउडर 1/2 चम्मच से कम, और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से भून लेते हैं। मसाला भी हमारा भून चुका है, इसे थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं ताकि मसाला जले नहीं। 1/2 कप पानी डालेंगे क्योंकि हमें तो सूखी सब्जी बना के तैयार करना है। और इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं।
अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी पसंद है तो पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब इसमें आलू डाल देते हैं जो बॉईल करके रखा हुआ था। अब इसमें डालते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया। उसके बाद इसमें आलू डालेंगे। अब इसमें आलू डाल देते हैं। आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं ताकि आलू में मसाले अच्छे से मिल जाए। आलू की सूखी सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।